हेलो गाइस, वेलकम विद एन एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ एडोबी फोटोशॉप। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिगार्डिंग कैरेक्टर पोस्टर डिज़ाइन है। ठीक है, ये पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स वगैरह जो हैं वो प्री डाउनलोड किए हुए हैं। ये एलिमेंट्स वगैरह आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल बैकग्राउंड है, ओवरले लेयर्स वगैरह हैं, वो हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। लाइक ये वॉलपेपर है मेरे पास एक ब्लैक कलर का, ये कैरेक्टर है बैटमैन का कैरेक्टर जो है बेन। ये इस कैरेक्टर का जो है एक पीएनजी इमेज है मेरे पास। ठीक है, पीएनजी इमेज हमने यूज़ किया हुआ है इसमें। ठीक है, एक मेरे पास ये पार्टिकल लेयर है, बड़ी इजीली मिल जाती है पार्टिकल लेयर, ये सही है। और अगर आपको किसी और कलर में मिले तो वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक ये मेरे पास फ्लेम, एक ये हम फ्लेम की इमेज इसमें यूज़ करेंगे। और कुछ हमारे पास टेक्सचर हैं, वो टेक्सचर भी हम इसके अंदर लोड करके उसके लिए एक और थोड़ा सा जो है इसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए पोस्टर में ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बैकग्राउंड लेयर से। ठीक है, इस बैकग्राउंड लेयर से स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। लाइक ये ऊपर की तरफ जो ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो विनिएटिंग इफेक्ट जो है बेसिकली, वो बॉटम में भी हमें चाहिए अगर, तो उसके लिए जो है दो तीन तरीके। या तो आप एक नॉर्मल लेयर ऐड करके ब्रश लेके, और ब्रश का फ्लो आप बेसिकली इस तरह से ब्रश लेयर लेके इसका फ्लो थोड़ा सा हमने कम कर दिया और ओपेसिटी भी थोड़ी सी लाइट कर दी, और ब्रश साइज़ थोड़ा सा स्केल डाउन करके यहाँ पे जो है हम ब्लैक ब्रश से इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग इंक्रीज कर दें। बट यही चीज़ हम एक और आसान तरीके से कर सकते हैं, वो ये है कि मैंने ये लेयर ऊपर से डिलीट कर दी। ठीक है, ये लेयर मैंने डिलीट कर दी और मैंने एक न्यू लेयर जो है वो ऐड की। न्यू लेयर ऐड करने के बाद मैंने जो है ग्रेडियंट टूल यहाँ पे जो है वो पिक कर लिया। ठीक है, ग्रेडियंट टूल, और ये ब्लैक कलर जो है ये यहाँ पे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आएगा। ठीक है, बट आप क्या करेंगे कि आप सेकेंड वाला सेलेक्ट करेंगे, सिंगल कलर टू ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें जो भी आपका कलर होगा सिंगल कलर वो वहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, सिंगल कलर टू ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये पिक करने के बाद ऑप्शन हमें जो है यहाँ पे अप्लाई करना है ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये रेडियल ग्रेडियंट जो है सेकंड वाला हमारे पास बॉक्स है, इसको मैंने क्लिक किया और रेडियल ग्रेडियंट हमें अप्लाई करना है। इस न्यू लेयर पे मैं सेंटर से बिल्कुल ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट जो है बेसिकली हमारे पास सेंटर में इस तरह से आ रहा है ब्लैक, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सही। तो इससे क्या होगा कि ये चारों तरफ से जो है वो ये ब्लैक एरिया प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा, विनियटिंग जो है चारों तरफ प्रॉपरली ऐड हो जाएगी विनियटिंग। और जिस तरह से ऊपर ब्लैक था इसी तरह नीचे भी ये विजिबिलिटी इसकी ब्लैक साइड के ऊपर भी, तो ये बड़ा ही जो है बैलेंस हो जाएगा डिज़ाइन। ठीक, उसके बाद जो नीचे वाला आपका ये बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा आप जो है वो लाइट कर दो, हल्का सा 70 70। ठीक, ये हमने इसको लाइट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स इम्पोर्ट आर कैरेक्टर। हमारे पास जो कैरेक्टर था वो ये कैरेक्टर है, इसको मैं मूव टूल पिक कर लिया और इस कैरेक्टर को मैंने ड्रैग ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, ये कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब अगर आप चाहो तो इसको जो है विनियटिंग के नीचे भी ऐड कर सकते हो इस तरह से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट हम इसको अभी फ़िलहाल ऊपर रखेंगे ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले इसको कुछ भी कस्टमाइज़ करने से पहले इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ताकि जो एक्चुअल इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इंटैक्ट रहे। ठीक है, अब कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट शिफ्ट होल्ड करके हमने इसको ड्रैग करके इस तरह से स्केल डाउन कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्ट भी करना है इस तरह से, हल्का सा टिल्ट करना है। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से टिल्ट कर दिया, सही। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें बैक का जो हमारा एरिया है उस पर थोड़ा सा हमें ग्रंज, क्योंकि ये जो कैरेक्टर भी है वो काफ़ी हमारा जो है वो रफ कैरेक्टर है। ठीक है, रफ सा कैरेक्टर है तो हमें बैकग्राउंड में भी थोड़ी रफनेस चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड जो है काफ़ी हमारा क्लीन है, बिल्कुल सबलाइम लग रहा है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसमें पीछे भी कुछ कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ जो है वो डिस्ट्रेस टाइप का टेक्सचर जो इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास फोल्डर में डिस्ट्रेस टेक्सचर्स वगैरह हैं, इसमें से हम सेलेक्ट करके लाइक ये वाला टेक्सचर वगैरह अप्लाई करके देखते हैं। ये हम अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैंने वर्टिकली बिल्कुल जो है रोटेट कर दिया, वर्टिकली सॉरी। हैवी है टेक्सचर से, इस वजह से ये थोड़ा सा ओपन करने में इशू करता है। स्केल अप कर लिया हमने और एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको पहले तो कर लें इन्वर्ट, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल आई प्रेस करके हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल आई। ये मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट से जो है कलर वेरिएशन स्विच हो जाती है, जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएंगे, जो वाइट्स हैं वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको इन्वर्ट कर दिया। और दूसरा ये कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप किसी भी वक्त इसको दोबारा स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब हमें जो है सिर्फ वाइट टेक्सचर यहाँ पे इसका चाहिए, ब्लैक हमें वो जो है वो गायब करना है, सिर्फ वाइट टेक्सचर हमें जो ये वाइट विजिबल है ये चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लाइटन पे स्विच करेंगे, ठीक है। या स्क्रीन पे कर लेंगे, चेक कर लेते हैं दोनों, ठीक है। स्क्रीन पे जो है वो टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा ब्लेंड हो रहा है, आपने इसको ब्लेंड कर दिया। और इसको हम ले के आ जाएंगे लेयर को बिल्कुल विनियटिंग के नीचे हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। इसको हम नेम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। इसको हम दे देते हैं टेक्सचर, ठीक है। और इस टेक्सचर को जो है थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं। अच्छा, अगर ये विनियटिंग आपको यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप इसको भी जो है कंट्रोल डी प्रेस करके इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ऑल्ट होल्ड करके। तो ऑल्ट होल्ड से क्या होगा कि सिर्फ अप और डाउन, जो अपवर्ड एरिया और डाउनवर्ड एरिया है वो सिर्फ एक्सपेंड होगा, ठीक है, साइड वाला एरिया नहीं, क्योंकि अप और डाउन एरिया जो है वहाँ पर थोड़ा सा विनियटिंग ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसको जो है इस तरह से स्केल अप कर लिया, राइट। इसको हम फिट टू स्क्रीन कर देते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपका हो गया टेक्सचर ऐड, ठीक है। ये आपका टेक्सचर हो गया, ये आपका बैकग्राउंड हो गया ऐड। तो हमें थोड़ा इस तरह से इसको बिल्डअप करना है कि जो है अच्छा जो है वो ब्लेंडिंग वगैरह इसकी काफ़ी मज़ेदार लगे, ठीक है। सेकंड ये कि यहाँ पे ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हवा में फ्लोट हो रहा है। तो हमें एक लेयर शेडो के लिए बनानी है। यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ऐड की और इसको जो है हमने नेम दे दिया शेडो, ठीक है। और ब्रश टूल लेके अपने बी प्रेस किया, ब्रश टूल लिया, ब्रश साइज थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे इस तरह से ब्रश ऐड करना है। ब्रश इस तरह से ऐड करना है कि वो लगे कि जैसे ये इसका शेडो है, ठीक है। और अब इस लेयर को, जो ये शेडो की लेयर है, इसको आप ओपेसिटीज की थोड़ी सी डाउन कर दें, ठीक है। ये आपने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी, सही। तो ये जो है इसका थोड़ा सा शेडो इम्प्रूव हो गया, राइट। ये आपका जो है बेसिक लेआउट रेडी हो गया। अब इसके बाद जो है हमें इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है। जो हमने ओपन की हुई थी वो ये थी, हमारे पास ये पार्टिकल्स थे, ठीक है। ये पार्टिकल मैंने यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिए और उसको जो है इस तरह से ओपन किया, उसको बिल्कुल टॉप पे ऐड करवा देना, क्योंकि पार्टिकल्स आपके मूव हो रहे हैं तो वो इस तरह से फील हो के जो है कैरेक्टर के ऊपर भी विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ऊपर इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हमने नेम दे दिया पार्टिकल्स और इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दिया हमने लाइटन पे, स्क्रीन पे कर दिया, ठीक है। तो इससे, इस पार्टिकल को ऐड करने से एक फ़ायदा क्या होगा कि उसकी जो ब्राइट पार्टिकल की जो लाइट की जो अपनी खुद की इंटेंसिटी है वो हमारे कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट करेगी और हमारे ओवरऑल सीन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमारे सीन पे भी ओवरऑल रिफ्लेक्ट कर लिया। अब मैं इसको जो है ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा जो है ऑफसेट वगैरह कर देता हूँ हल्का सा, ताकि ये इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि वो बड़ा जो है सिंपल सिंपल सा लग रहा था कि ऐसे कॉपी पेस्ट वाला। थोड़ा सा इसको आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जैसे नीचे की तरफ से ऐसे फायर बिल्ड हो रही है तो वो वहाँ से जो है पार्टिकल, उसके जो इस तरह से स्पार्क्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इस तरह से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पोजीशन के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करो, जब आप
सेटिस्फाई हो फील से, तो उस वक्त आप इसको जो है वो ओके कर दो, राइट। तब ये जो है पार्टिकल्स काफ़ी जो है इंस्टेड के हमने उसको यहाँ सिंपली इस तरह से रखा, ये इस तरह से जो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो ये फ्लेम थी। अच्छा, फ्लेम को जो है हमें, एक तो ये कि फ्लेम को थोड़ा सा हमें इसमें ब्लेंड भी करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ कलर, ठीक है। ये फ्लेम पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको आप सेंट्रली अलाइन कर लो, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, लेयर को सेलेक्ट रखो और इसको सेंट्रली पेज पे अलाइन कर दो। अब ये हमारे पास आ गई फायर एलिमेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से फायर एलिमेंट आ गया, ठीक है। कैरेक्टर ये है हमारा, ऑलराइट। अब इसको भी इसी तरह से हम ऐड करेंगे, लाइट एंड ये स्क्रीन, ठीक है। लाइट एंड स्क्रीन ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा जो है वो शेडो और टिंट और शेड जो है वो इसमें एडजस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है मोर जो है वो शेड की साइड पे है, और ये जो है ये ज़्यादा टिंट की तरफ है, ठीक है। शेड या टिंट, ठीक है। अब डिपेंड्स, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप जो है इसको किस तरफ रखना चाहते हो, जहाँ आपको ज़्यादा बेहतर लगे। मुझे ये जो है स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि वो क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर ब्लेंड भी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन स्केल अप करते हैं, और ये फायर इस तरह से यहाँ पे सेट कर, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाह रहा, लाइक ये रेड कलर के जो स्पॉट हैं ये फायर वाले, ये मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसको फायर लेयर को सेलेक्ट करके इस पे मास्क ऐड कर दूँगा, ठीक है। मास्क ऐड करने के बाद ब्रश टूल लेके, ब्रश टूल बहुत ही आपको ओपेसिटी लाइट रखनी है, ठीक है, और लाइट बिल्कुल रख के इसको जो है आपको इस तरह से वाइप आउट करना है, हल्का हल्का इसको फेड आउट कर देना इस तरह। अच्छा, ऑब्वियसली आपको यहाँ देख रहे हैं मास्क से लेकर, तो हम ब्लैक कलर से ही इसको मास्क को जो है वो तो मैंने कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं किया, सिर्फ इसको मैंने हल्का हल्का फेड आउट किया, ताकि वो उसकी ब्राइटनेस वगैरह भी सही लगे, ज़्यादा पैचेस वगैरह से ना लगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने हल्का सा इसको फेड आउट किया, तो उससे वो एक बैकग्राउंड पे बर्न टाइप का फील भी आ रहा है, सही। ये आपका जो है ऑलमोस्ट पोस्टर रेडी हो गया, थोड़ी बहुत इसमें अभी चेंजेस बाकी हैं, लाइक हमें एक अच्छा सा इम्पेक्टफुल वाला जो है वो एलिमेंट यहाँ पे बैक पे ऐड करना है, तो वो हम जो है सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कैरेक्टर है बेसिकली बैटमैन का है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल रेलेवेंट हम एक ऑप्शन निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास बैटमैन का लोगो ही है, ठीक है। बट वो लोगो थोड़ा सा जो है डिस्टॉर्टेड और थोड़ा सा ईवल काइंड ऑफ वाला लोगो है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ये बैक पे हम इस तरह से यहाँ ड्रॉप कर देते हैं कैरेक्टर के, और इसको मैं लेयर को नीचे मूव कर देता हूँ, ठीक है। मूव करने के बाद अब सेम वही चीज़ कि यहाँ पे ये जो हमारे पास बेसिकली पीछे बैटमैन का ये एम्बलम है साइन, ठीक है, ये है ब्लैक के अंदर, तो हम को इसको इसी तरह से स्विच करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करके इसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, इन्वर्स कर देंगे अगेन, और इसके बाद जो है हम इसको लाइट एंड या स्क्रीन की हेल्प से इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर ये ज़्यादा इसका अच्छा इम्पेक्ट आ रहा है, काफ़ी वेल बैलेंस जो है वो ये ब्लेंड हो रहा है इसके अंदर, तो हमने इसको स्क्रीन पे स्विच कर दिया, ठीक है। और बाकी कलर करेक्शन जो है वो हम एंड में करेंगे, और वो दो चीज़ों पे करेंगे, ओवरऑल सीन के ऊपर और एक कैरेक्टर के ऊपर। तो ये मैंने इसको यहाँ पे जो है इस तरह से एडजस्ट कर दिया कैरेक्टर, तो इससे जो है एक थोड़ा सा अच्छा लुक भी आ गया, एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन भी क्रिएट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इस लेयर के ऊपर इन बिटवीन, ये कैरेक्टर लेयर और ये बैटमैन का लोगो है, इस लेयर के बीच में हमें इन बिटवीन एक लेयर ऐड करनी है, और इसको हम जो है नेम देंगे हाईलाइट, और ब्रश टूल लेके थोड़ा सा ओपेसिटी हम इंक्रीज करेंगे,
और वाइट कलर से हम ब्रश करेंगे, ठीक है, इस तरह से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लाइड लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इस तरह से हम जो है यहाँ पे हाईलाइट ऐड कर दिए, ताकि वो एक बिटवीन पोस्टर आपका ओवरऑल सीन और एक कैरेक्टर के अंदर एक सेपरेशन हल्की सी क्रिएट हो, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा फ्लेम जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लेम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहले तो ट्राई करते हैं ओपेसिटी, अगर हम इस पर ऐड कर सकें थोड़ी बहुत, ओपेसिटी नहीं, हम इसमें काम कर सकते हैं कि हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और इसमें जो है सेचुरेशन पैनल ऐड करके थोड़ी सी सेचुरेशन डल कर देंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ी सी जो है हमने सेचुरेशन डल की है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी हम इसको अभी कलर करेक्ट करके देखते हैं कि जो है इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। ओके, तो पहले ही हमारा कैरेक्टर जो है, इस पर मैं इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एम, इससे हमारे पास कर्व पैनल ओपन हो जाएगा। कर्व पैनल ओपन होगा, और एक चीज़ बता दूं कि ये देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इसमें अगर कर्व्स ऐड करेंगे तो वो फिल्टर जो है वो इसमें एडिटेबल होगा। तो इसको मैं थोड़ा इसके शेडोज़ और हाईलाइट एडजस्ट कर देता हूँ, कैरेक्टर की हाईलाइट्स वगैरह जो हैं विजिबल हों, थोड़ा सा सीन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको आप अंडू करके आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है इसकी, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट काफ़ी जो है प्रोमिनेंट हो गए, वो विजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या करें कि इन सब लेयर्स को एक साथ, अच्छा इसमें मैं एक विनियटिंग, एक और ऑप्शन, वो एक और जो है इसमें वेरिएशन लाना चाह रहा हूँ, जो हमने विनियटिंग ऐड की थी उस विनियटिंग की लेयर को मैं ओवर द टॉप रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑन अबव ऑल लेयर्स, सही है। सिर्फ एक टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास फील क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पोस्टर बहुत ज़्यादा डल हो गया, तो इसको हम वहीं रहने देंगे जहाँ पे ये हमारे पास लेयर ऑलरेडी थी। तो मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करके, ठीक है, जो जहाँ पे हमारी लेयर थी वहीं पे आ गई, सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह को वो जो है अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है जो नेक्स्ट हमें चीज़ करनी है वो ये है कि अब इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेयर को मैंने एक पहली लेयर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सबको लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस करके हमने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप में आ गया। अब अबव ऑल लेयर्स जो है हम एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे कर्व्स की, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे कर्व्स की। अब ये एडजस्टमेंट लेयर जो है ये एक सेपरेट लेयर है, ठीक है, ये जो है इफ़ेक्ट करेगी आपके ओवरऑल सीन को, ठीक है। अब इसमें जो है हम दो तीन चीज़ें करेंगे, कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा स्लाइड करना है, ताकि क्योंकि कैरेक्टर पे ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ सीन के साथ ब्लेंड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जो है वो कैरेक्टर्स में ऐड कर रहे हैं, राइट। और थोड़ा सा रेड चैनल की तरफ हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन पे स्विच कर देंगे, सिनेमैटिक थोड़ा सा लगने आ चाहिए ना, और ग्रीन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, बहुत ही स्लाइट सी चेंजेस रखनी है ताकि ओवरऑल आपका ज़्यादा सीन इफेक्ट ना करें, थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक बनाने के लिए। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब अगर आप इसमें चाहो तो आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा लोगो, टेक्स्ट वगैरह और ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स वगैरह देखो हमने इसलिए इसमें ऐड किए कि पार्टिकल्स जो है वो डिटेलिंग्स आपकी जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डिटेलिंग्स के लिए हमेशा होता है पार्टिकल्स वगैरह, पोजिशन, इन सब चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करो, डिफरेंट फायर एलिमेंट्स और इस तरह से लेके कैरेक्टर्स के अंदर, मतलब थोड़ा ये रखो कि एक डिटेलिंग पे काम करो, कोशिश करो कि कंटेंट हमारा जो है वो कंप्लीट हो, एलिमेंट्स कंप्लीट हो। अब जैसे एक ग्रंज पोस्टर बनाया हमने, तो ये ग्रंज पोस्टर बेसिकली वो फील आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छी तरह डिटेलिंग पे इस पे काम करो,
और बहुत अच्छी टेक्निक है, बड़ी सिंपल टेक्निक है। सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स और कलर करेक्शन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और हमने जो है ये पोस्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया अचीव के लिए। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।